रिपोर्टर अजय महाजन, टाइगर सोनी, जिसे सोनी सिर्फ सोनी कहा जाता है, जिसे नाम टाइगर कहा जाता है, आज हम उनसे महंगाई के बारे में पूछते हैं। नमस्ते सर। सर, इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये हमारे जो आसपास में महंगाई का जो दौर चल रहा है, वो मेरे ख्याल में सबसे भयानक दौर चल रहा है हमारे जो भारत में। आज परसों मुझे पेपर में मैंने देखा था कि वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो होता है, वो 1000 से भी ऊपर पहुंच गया है। जी, 1050 रुपए से बढ़ा दिया गया है। सर, गरीब बंदा क्या करेगा? बिल्कुल, वो कर ही नहीं सकता कुछ भी। वो ये तो हर टाइम ये शोर डलता रहता है कि ये किसान 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 किसान, लेकिन अगर आप मजदूर के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, अगर वो सड़कों पे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशानी है महंगाई से। महंगाई की ये पोजीशन है कि आज की डेट में अगर कोई बंदा दो वक्त का खाना भी खाना चाहे तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता है। और जो मजदूर होता है उसकी दिहाड़ी तो 400 रुपये दिहाड़ी है, तो 400 रुपये में वो अपना गुजारा कर ही नहीं सकता, किसी भी तरह से भी नहीं कर सकता। तो इसलिए महंगाई को कम करना जो इनका प्रायोरिटी होनी चाहिए, जबकि ये फ्री में बांट के एक तरफ से तो महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ से फ्री बांटा जा रहा है। तो ये सरकारों की जो पॉलिसी है ये समझ से परे है, तो उनको ये चीज़ें बंद करके मेरे ख्याल में एक ही जो एक धरने पे सबको लाना चाहिए। कास्ट के आधार पे कुछ रियायतें देने की बजाय उनको जो उनकी बंदे की जो होती है क्या कह सकते हैं, उसे मुझे शब्द नहीं आ रहा, कि जो उसकी अपनी जो स्थिति होती है, उसकी जो स्थिति होती है उसको मद्देनजर रखे उसको जो रियायतें देनी चाहिए, ना कि वो कास्ट के आधार पे। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अच्छी अच्छी कास्ट के लोग जो होते हैं वो बेचारे गरीब, जिनको हम अच्छी कास्ट बोलते हैं, अपर कास्ट बोलते हैं, तो वो गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको खाना भी नसीब नहीं होता। और जो लोअर कास्ट के कई लोग होते हैं जो कोठियां वगैरह डाल के बैठे होते हैं, लेकिन फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। सर, महंगाई के कारण लूट मार, चेन छीना झपटी, ये रोज के दिन पे दिन हो रही है, इस पे आप क्या, कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? पुलिस, जनता कह रही है पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यही चीजें हैं, ये जो सब क्राइम बढ़ रहे हैं, जो डे बाय डे देख रहे हो, चेन स्नैचिंग हो रही है, गरीबों को लूटा जा रहा है, या बाजार में चलते रहते औरतों से स्कूटियां तक, हमारे यहाँ बाटा चौक में पिछले थोड़े दिन में वहाँ पे स्कूटी वगैरह छीन के लेके गए हैं, सरेआम लेके गए हैं रिवॉल्वर दिखा के। तो इसके दो कारण मेन जो मैं समझ सकता हूँ, एक तो महंगाई है, दूसरा है नशा। ये दोनों चीज़ें जो है इनकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये सरकारें जो हैं वो हम लोग क्या आतंकवाद में लगे हुए हैं, राजनीतिक द्वेष में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बुराइयां हैं, जो सबसे बड़ा कारण है जो द्वेष का, जो सामाजिक अस्थिरता का, वो उसको हम दूर करने का प्लान करते ही नहीं कुछ भी। सर, क्या नशा छोड़ सकेंगे ये लोग की नहीं? चोरियां कब तक बंद हो सकती हैं सर? अगर इनको देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि चोरी करने का उसको ज़रूरत होती है कि जो ज़रूरतमंद होता है, तो ज़रूरतमंद वही होता है कि जिसको नशे की पूर्ति नहीं हो पाती है। सबसे पहले तो कारण, बड़ा कारण वही है। दूसरा है महंगाई। जब घर पे बच्चा भूखा मर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ज़रूरत महसूस होगी कि वह चोरी करके वो अपने घर का राशन वगैरह लेके आए। तो ये चीज़ें जो है, ये जो चल रहा है मेरे ख्याल में, ये सामाजिक दौर से देखा जाए तो वो ठीक नहीं चल रहा। श्रीलंका में अगर उन्होंने इग्नोर किया था तो आज स्थिति वहाँ पर यह है कि अराजकता फैली हुई है, भाई भाई एक दूसरे को मारने पे तुला है सिर्फ महंगाई के कारण। वहाँ पे एक पानी की बोतल जो है वो 200-250 रुपये की पानी की बोतल मिल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ना हो तो अभी से ही सरकारों को ये सोचना पड़ेगा। सर, पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे कि हाथ पे हाथ, जैसे जनता कहती है कि पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, कोई देख नहीं रही है, चोरियाँ डकैतियाँ हमारे गुरदासपुर में ही ज़्यादा बढ़ी है? नहीं, हमारे देखो गुरदासपुर की अगर बात लेके चलो, हमारे SSP साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही, वो एक तो एक समझदार इंसान है और एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है। उनके SPD साहब बड़े अच्छे हैं, उनके SP हेडक्वार्टर साहब बहुत अच्छे हैं, DSP साहब बड़े अच्छे हैं। तो एक दो ऑफिसर हैं जो मैं कह सकता हूँ कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हैं, लेकिन उसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरे पंजाब पुलिस को हम थोड़े बदनामी देना शुरू कर दें। बड़ा कारण यही है कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है वो आम व्यक्ति कर रहे हैं। अगर वो कोई हिस्ट्री शीटर वगैरह या कोई फेमस, सर ये कब तक रुक सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से मुझे नहीं दिख रहा कि अभी रुकेगा। ये कारण क्या है कि जो स्थिति ये चल रही है वो मेरे ख्याल में क्योंकि ये राजनीति जो द्वेष चल रहे हैं, अगर इनको इग्नोर नहीं करेंगे तब तक ये खत्म कभी नहीं होगी। क्योंकि एक तो बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री जो हमारे भगवंत मान जी ने जो उपक्रम शुरू किया, जो रिश्वतखोरी जो उन्होंने बंद करवाई है, बड़े उन्होंने अधिकारियों को पकड़ा भी है इस चक्कर में, तो वो अच्छा चल रहा है। अगर वो जिम्मेदार हो जाएंगे ऑफिसर्स तो फिर अपने आप ही धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। आज टाइगर साहब ने जो बहुत अच्छी तरह से हमें महंगाई के बारे में बताया, थैंक यू।